हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा, AKPIS इंस्टीट्यूट। देखिए, आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ 5 फैबुलस वे जिससे कि आप USCPA को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। देखिए गाइस, हमारा इंस्टीट्यूट एक स्टूडेंट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी जिसको कि हमने 5 फैबुलस मॉडल के अंदर कैटेगराइज किया है, जिसमें हम सबसे पहला जो मॉडल है हमारा कि किस तरीके से USCPA स्टूडेंट पास कर सकें, इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है सेग्रीगेशन ऑफ बैचेस। हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट में 3 प्रकार की बैचेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, नॉर्मल बैच, प्रीमियम बैच और एक ज्वेल बैच। देखिए, नॉर्मल बैच, ज्वेल बैच और प्रीमियम बैच का कॉन्सेप्ट, जो नंबर 1 हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम स्टूडेंट की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के कैलिबर के अकॉर्डिंग उसको उस बैच में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट हैं, आप एक CA स्टूडेंट हैं, तो हम आपको हमारी एक नॉर्मल बैच में रखेंगे। क्योंकि गाइस देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट जो होते हैं उनका कैलिबर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो USCPA को चुटकियों में क्रैक करते हैं। सो अगर आपको एक BCOM स्टूडेंट को हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट के साथ में मर्ज कर दिया, सो कहीं ना कहीं CA स्टूडेंट का कैलिबर इतना फास्ट होता है कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी क्रॉस करता है। उसके क्वेश्चंस, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके सिमुलेशन, उसके जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो कई बार जो बेचारा BCOM ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो लैग करता है। तो हम नॉर्मल बैच में क्या करते हैं, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट है उनको एंट्री देते हैं। उसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट है प्रीमियम बैचेस। देखिए, इस प्रीमियम बैचेस में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बहुत लिमिटेड होगी, इसमें आपको पूरा पर्सनल अटेंशन मिल सके, इसलिए हमने स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम रखी। और यहाँ पर हम केवल BCOM ग्रेजुएट स्टूडेंट, वॉकिंग प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ्स जो कि अपनी स्टडी से आउट ऑफ टच हैं, तो अगर आप आपके स्टडी से आउट ऑफ टच है तो आपको कैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए, किस तरीके से आपको पढ़ाया जाए, तो इसलिए आपकी जो बैच होती है वो बिगनर्स बैच के साथ में होती है। मतलब वहाँ के जो स्टूडेंट का लेवल होता है वो बिल्कुल बिगनर्स लेवल का होता है। तो जब एक बिगनर्स लेवल का कॉन्सेप्ट होता है तो टीचर भी बिगनर्स लेवल के स्टूडेंट के कैलिबर के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस करता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लूँ, एक डॉक्टर जो है अलग अलग पेशेंट को उनकी डिसीज के अकॉर्डिंग, उनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ट्रीट करता, ऐसा ही हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम स्टूडेंट को उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग टीच करते हैं। कई स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट्स होते हैं, जिनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिनका इंटरप्रिटेशन बहुत स्ट्रांग होता है, सो ऐसे स्टूडेंट के लिए नॉर्मल बैच, और ऐसे स्टूडेंट जिनका इंटरप्रिटेशन जो कि अभी उतने एडवांस नहीं है, जो दोज वर नॉट वेल वर्स्ड, सो उनके ऊपर हम एक सेपरेट पर्सनल बैचेस में क्या करते हैं, काम करते हैं। और ज्वेल बैच जो बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल अटेंशन पे पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम ज्वेल बैच बोलते हैं। तो हमारी कॉन्सेप्ट है कि हम बैचेस में स्टूडेंट को अलग अलग क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग, उनके मेंटल होरिजन के अकॉर्डिंग, उनकी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आपको टीच करेंगे। तो दिस इज आवर फर्स्ट फैबुलस मॉडल। सेकंड मॉड्यूल है कि हम आपके फंडामेंटल्स के ऊपर काम करेंगे। फंडामेंटल्स मतलब आपको सारी जनरल एंट्रीज से लेके हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउ टू पास जनरल एंट्रीज, किस तरीके से ट्रायल बैलेंस बनता है, किस तरीके से बैलेंस शीट एंट्रीज होती हैं, बैलेंस शीट डेट के क्लोजिंग एडजस्ट, हर वो चीज़ US गैप से, IFRS से और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में USCPA कितना डिफरेंट है, तो आपके फंडामेंटल्स के ऊपर काम किया जाएगा। और गाइस, फंडामेंटल्स का पूरा करिकुलम पढ़ाने के बाद उस फंडामेंटल्स का आपका हम लोग क्या लेते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं, और मॉक टेस्ट बिल्कुल MCQ वाइज, पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हम चेक करेंगे कि आपकी इंटेलिजेंसी कितनी बड़ी है। सो इस मॉडल को हम बोलते हैं फैबुलस 2। इसके अंदर हम आपके फंडामेंटल्स के ऊपर क्या करेंगे, काम करेंगे, जिसमें आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्या किए जाएंगे, कवर करेंगे। फैबुलस 3, देखिए फैब 3 का जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, जैसे जैसे आपके टॉपिक्स हो गए, जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, इसमें 10 यूनिट्स है, तो आपकी 1 यूनिट आपने कंप्लीट की, उस 1 यूनिट का आप क्या दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। उस मॉक टेस्ट में वर्ल्ड के बेस्ट रिव्यू प्रोवाइडर, जो भी दुनिया के हर जगह के बेस्ट रिव्यू प्रोवाइडर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनके सिमुलेशंस और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा सेल्फ डेवलप किए गए, उनको उसमें मिक्सचर करके हम आपका यूनिट वाइज क्या लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। तो इस फैब 3 मॉडल में हम क्या करते हैं, आपकी उस प्रोग्रेस को असेस करते हैं कि आपने यूनिट वाइज क्या परफॉर्मेंस किया है, और जब गाइस आपका यूनिट वाइज असेसमेंट हो जाएगा, सो मुझे पता चल जाता बीइंग ए फैकल्टी मेंबर कि आपकी कौन सी यूनिट में स्ट्रांग है और कौन सी यूनिट आपकी वीक है, और आप कितना
जल्दी इस USCPA को कोप अप कर पाएंगे। तो इस फैबुलस फ्री कॉन्सेप्ट में हम लोग आपके टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लेंगे। फैबुलस 4 मॉडल जो हमारा है लाइफ टाइम वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट, टिल यू पास, जब तक आप USCPA नहीं हो जाते हैं यू विल बी द मेंबर ऑफ आर इंस्टीट्यूट, और आपको हम तब तक टीच करेंगे जब तक कि आप USCPA नहीं बन जाए। तो सर तब तक टीच करने का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए गाइस, USCPA की जो एग्जाम है वो हर मंथ होती है, तो आपको जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली एग्जाम बुक करना। हम क्या करेंगे, आपके इंटरनल एग्जाम को बुक बनाते हैं, और इंटरनल एग्जाम को कंडक्ट करने के बाद जब तक आप हमारे द्वारा ऑर्गेनाइज की गई इंटरनल एग्जाम को पास नहीं करेंगे, और ये इंटरनल जो एग्जाम होगी बिल्कुल USCPA की जिस तरीके से एग्जाम होती है 4 घंटे की, उसमें उतने ही सिमुलेशन और उतने ही आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और ऐसे आपका एक टेस्ट नहीं लिया जाएगा गाइस, ऐसे 3 एग्जाम हमारे द्वारा कंडक्ट की जाएगी। और जब आप इस फैबुलस 4 मॉडल को पास कर लेते हैं तो फैबुलस 4 मॉडल में हम आपको फिर असेस करते हैं कि नाउ दिस इज द राइट टाइम टू बुक योर एग्जाम और यू आर रेडी टू बिकम USCPA। सो जब तक आप हमारे इस फैबुलस 4 मॉडल को क्रॉस नहीं करेंगे हम आपको USCPA की एग्जाम देने नहीं देंगे, बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट योर मनी। एंड फैबुलस 5 कॉन्सेप्ट उन गाइज के लिए जो कि किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं और वो पास नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज दे हैव जस्ट बॉट द सॉफ्ट, फिर आपने रिव्यू प्रोवाइडर्स खरीद लिए, किसी ने आपको वाइली दे दिया, किसी ने आपको बैकर दे दिया, किसी ने आपको ग्लैम दे दिया, किसी ने अपना खुद का LMS सॉफ्टवेयर दे दिया, लेकिन उन वीडियोस लेक्चर को देखकर आप पास नहीं हो पा रहे, तो फैबुलस 5 में ऐसे स्टूडेंट जो कि किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से डिससेटिस्फाई हैं उनको फीस में भी डिस्काउंट, आपको पूरा पर्सनल अटेंशन, आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज, आपके अकॉर्डिंग बैच हम बनाएंगे जिसमें आपका अगर क्रैश बैच आपको करना है, आपको फास्ट ट्रैक बेसिस पे एग्जाम देना है, तो फास्ट ट्रैक बेसिस पे आप कैसे सिमुलेशन को सॉल्व करें, कैसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करें, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें आपको डाउट आ रहा है तो केवल आप उस क्लासेस को भी ले सकते हैं। तो गाइस अगर आप हमारे इस फैब 5 में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, आप हमारी क्लास में डेमो बुक कीजिए, और हम गाइस आपसे कहना आप एक डेमो मत लीजिए, हमारी क्लास में आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 दिन बैठ के देखिए और फील द डिफरेंस व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी वी आर गिविंग टू यू। आई एम CA शम्मी सलूजा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कमिटमेंट है आपको कि अगर आप हमारी बताई प्रोसेस में इन फैबुलस 5 में स्टिक करते हैं तो आपका CPA, आपका ड्रीम विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एज पर द कैलिबर ऑफ योर, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट मैंने आपको कोई टाइम का कमिटमेंट नहीं किया। अगर आपका कैलिबर अच्छा है तो आप 6 महीने में, आप 8 महीने में, साल भर में भी क्या कर सकते हैं, उस USCPA को पास कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज माई कमिटमेंट। अगर आप हमारी बताई गई प्री डिसाइडेड प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपका USCPA जो आपका ड्रीम है, ड्रीम बिकम अ रियलिटी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।